एक ऐसा मंदिर जिसे शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है, जिस मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, जिस मंदिर के चमत्कार भक्तों के लिए आस्था के केंद्र बने हुए हैं, एक ऐसा मंदिर जिसे पांडवों ने खोजा था, अकबर जिसके रहस्यों को सुनकर भौचक्का रह गया, वैज्ञानिक जिस मंदिर के कौतूहल को समझने में आज भी लगे हैं, और जहां पर किसी प्रतिमा का पूजन नहीं किया जाता। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर से रूबरू कराएंगे जो सैकड़ों सालों से आस्था के साथ लोगों के लिए पहेली बना हुआ है। नमस्ते, मैं पूनम हूँ और आप हैं मंच पर। नवरात्र में हमारे इस खास अंक में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ज्वाला देवी मंदिर की, जिसके बारे में ये माना जाता है कि मंदिर में छिपी तिलस्मी शक्तियों के रहस्यमय खजाने को जिसने हासिल करने की कोशिश की, उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस मंदिर को इतना रोचक क्यों कहा जाता है। मंदिर को समझने के लिए सबसे पहले इस मंदिर का इतिहास जानना जरूरी है। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर पर स्थित है। कहते हैं सबसे पहले मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसके बाद सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद्र ने सपने से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। आज भी मंदिर से जुड़ी एक और कहानी है। इस मंदिर में यह बताया जाता है कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और हिमाचल के राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया था। ये मंदिर माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। अब बात मंदिर की धार्मिक मान्यताओं की। मंदिर देवी माँ के शक्तिपीठों में एक है। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर के स्थान पर माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ इससे देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। एक खास तथ्य और है जो मंदिर को अन्य देवी मंदिरों की तुलना में अनोखा बनाती है। यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, भक्त यहाँ पर पृथ्वी से गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की 9 देवियों के रूप में पूजा करते हैं। मंदिर की अग्नि का जिक्र आते ही तमाम खोजकर्ताओं के लिए मंदिर रहस्यमय हो जाता है, जो सैकड़ों सालों से सभी के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। इसी वजह से यह भी है कि ज्वाला जलने के लिए किसी तरह की तेल, दिए या बाती का प्रयोग नहीं किया जाता है। सबसे पहले इस मंदिर की ज्योति के रहस्य को खोजने के लिए अकबर ने प्रयास किए। अकबर ने इसके लिए तमाम सिपाह सालारों को सालों तक ज्योति के जलने के रहस्य को जानने के लिए लगा दिया। काफी मशक्कत के बाद उसे मंदिर की शक्तियों के सामने हार का सामना करना पड़ा। अकबर के बाद अब बात करते हैं ब्रिटिश हुकूमत के दौर की। ब्रिटिश अफसरों ने भी मंदिर में जल रही ज्योति के बारे में रिसर्च शुरू की। व्यापारिक लाभ उठाने के लिए ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया था। उनका ये मानना था कि जमीन के अंदर से निकलती इस ऊर्जा का इस्तेमाल व्यापारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। कुछ वर्षों बाद अंग्रेज अफसरों की जिद टूट गई। वे भी थक हार कर मंदिर क्षेत्र से वापस लौट गए। इस बीच ब्रिटिश अफसरों की इस खोज में भारी भरकम रुपया खर्चा किया गया था। पिछले 7 दशकों में भूगर्भ वैज्ञानिक एक क्षेत्र में लगातार ज्योति का रहस्य समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये भी इस ज्वाला की जड़ तक नहीं पहुंच पाए हैं। वे आज तक यह समझने में लगे हुए हैं कि आखिर बगैर किसी ईंधन या गैस के ये ज्योति लगातार कैसे जल रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का एक वर्ग ज्योति के जलने की एक वजह किसी मृत ज्वालामुखी को मानते हैं। बावजूद इसके अखंड ज्योति के चमत्कार के आगे इसके शोध को नतमस्तक होना पड़ता है। आपके लिए स्टोरी को तैयार किया है हमारे साथ ही राजीव ने। स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।